नमस्कार। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो इसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। देश के अन्य राज्यों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे कि उगादि, चेटीचंद या नवरेह। तो जिस तरह हर नए काम की शुरुआत मीठे से होती है, मैं इस नए साल का आगाज भी कई लोगों के पसंदीदा पकवान पूरण पोली से करना चाहूंगा। अक्सर पूरण पोली का नाम सुनकर लोगों के मन में खौफ सा बैठ जाता है कि ये रेसिपी काफी मुश्किल है या इसे सिर्फ अनुभवी लोग ही बना सकते हैं। पर रेसिपी मुश्किल हो तो हम इसे ट्राई भी ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। इस कला को बचाए रखना हमारा दायित्व भी है, तो इस नाते भी हमें सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरण पोली बनाना सिखाऊंगा। और अब तक मैंने कई बार इसको अटेम्प्ट करने के चलते मैंने जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखी है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो बताने की बात ये कि इसकी रेसिपी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। पूरण पोली की रेसिपी में 1 कप चना, 1 कप मैदा, 1 कप गुड़ और 1/3 कप पानी आटा गूंदने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रेसिपी के मुताबिक 1 कप चना दाल को 3 से 4 बार धो लिया है ताकि इसमें कोई इम्प्यूरिटीज ना रहे, और 1 कप दाल के लिए 1.5 से 2 कप पानी इस रेशियो में मैंने पानी में भिगो लिया है। इसके बाद हम इसे 10 से 12 सीटियां देकर पकाएंगे ताकि दाल गलकर बिल्कुल मैश करने लायक नरम हो जाए। चलिए, तो जब तक दाल उबल के तैयार हो रही है तब तक हम इसके आउटर कवरिंग की तैयारी कर लें। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी। अब धीरे धीरे पानी मिलाकर हम आटा अच्छे से गूंद लेंगे और बिल्कुल अंत में तेल डालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं आटा इतना नरम हो जाना चाहिए। इसको आप जितना ज़्यादा कूटेंगे या जितना ज़्यादा गूंदेंगे तो उतना आपकी पूरण पोली ज़्यादा खस्ता होगी और उतना ये फूलेगी भी। तो इसको हम तकरीबन आधे घंटे तक के लिए रख देंगे और ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारी दाल गल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही नरम हो गई है। अब इसे हमें मैश करना है। तो मैश करने का एक आसान तरीका यह है कि आप एक बड़ी सी छन्नी लीजिए और ये जो दाल की कड़छी होती है उसका इस्तेमाल करें उसको प्रेस करने के लिए, मैश करने के लिए उस छन्नी के अगेंस्ट। सो इसको लेंगे, इसमें थोड़ा जोर लग सकता है इस काम में। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे छन्नी का इस्तेमाल करके दाल अच्छे से मैश हो गई है बिल्कुल। आपकी दाल जितनी ज़्यादा मुलायम और महीन होगी आपका पूरण उतना ही अच्छा बनेगा और उतने ही कम चांसेस है आपका स्टफिंग रोटी से बाहर निकलने के। अब हमने 1 कप गुड़ लेना है और मैश की हुई दाल में अच्छे से मिलाकर पकने रखना है। अब इस मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाना शुरू करना होगा ताकि ये धीमे धीमे गाढ़ा होता जाए। पूरन गाढ़ा होना शुरू हो उससे पहले हम इसमें हल्का सा नमक, हल्की सी जायफल की पाउडर
और हल्की सी इलायची की पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। कुल मिलाकर इस मिक्सचर को 25 से 30 मिनट तक पकाना होता है, तब कहीं जाकर ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए कैसे पानी भाप बनकर निकल रहा है और मिक्सचर और गाढ़ा होते जा रहा है। इसे थोड़ा और पकने की ज़रूरत है। अब हमारा पूरन बनकर तैयार हो चुका है, तो हम इसे रोटियां बेलना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो आटा सेट होने के लिए रखा था, उसके और पूरन के चार चार बॉल्स बना लिए हैं। पहले हम रोटी को आधा बेल लेंगे ताकि इससे स्टफिंग के लिए कवर तैयार किया जा सके। याद रखें कि रोटी को कोनों से पतला और बीच से चपटा करना है ताकि पूरन समान रूप से फैल जाए। अब एक पूरन का बॉल लेकर रोटी के बीच में रखेंगे और रोटी के कोने उठाकर इस तरह से बॉल के ऊपर अच्छे से रैप करना है हमें। याद रहे रैप करते समय एक भी गैप ना हो, वरना रोटी सेकते टाइम पूरन बाहर आ सकता है। रैप करने के बाद इसे, जैसे लड्डू को हाथ से गोल आकार दिया जाता है, वैसे ही अच्छे से इसका गोला बना लेना है ताकि इसकी कवरिंग और अंदर का पूरण अलग ना हो और अच्छे से सील हो जाए। अब स्टफ़ किए हुए बॉल को हाथ से आधा चपटा करने के बाद उसके कोने पहले बेल लेने हैं और सेंटर सबसे अंत में, ताकि पूरण अच्छे से फैल जाए और कोने मैदेदार ना लगे। तो चार बड़ी रोटियां बेलकर हमने इन्हें बटर पेपर के बीच में रखा है ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। अब एक बड़ा सा नॉन स्टिक पैन या तवा लें और उसे हल्का सा गर्म होने रखें और फिर एक चम्मच घी डालकर उसे 1 मिनट के लिए और गर्म होने दें। ठीक ठाक गर्म हो जाने पर अब उसमें रोटी सेकने के लिए रखें। करीब 2-3 मिनट एक साइड अच्छे से पक जाने पर इसे पलटाएं और दूसरी साइड से पकाना शुरू करें। आप देख सकते हैं कैसे हमारी रोटी अच्छे से फूल गई है और बीच बीच में इसमें से भाप भी निकल रही है। ऐसी रोटी पहली बार में मैदे के साथ भी बन सकती है, और वो भी आटा बड़ी देर तक गूंदने पर। ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग गेहूं के आटे से भी ऐसी बढ़िया फूलती हुई पूरन पोली बना लेते हैं। अब दोनों साइड्स पलटा पलटा कर बारी बारी से अच्छे से सेंक लें ताकि रोटी कहीं से भी कच्ची ना रहे। आप देख सकते हैं कैसे ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो गई है और इसकी कवरिंग कितनी खस्ता बनी है, और अंदर अगर आप देखें तो पूरन अभी भी बिल्कुल मुलायम है। आप इसे गर्मा गर्म घी, दूध या एक तीखा शोरबा, जिसे महाराष्ट्र में कटाची अमटी कहा जाता है, उसके साथ भी खा सकते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पूरण पोड़ी बनाना कितना आसान है। महज 3-4 इंग्रेडिएंट्स लेकर आप इतनी बढ़िया डिश बना सकते हो, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आटा कैसे गूंदना है, या बेलते टाइम कौन सी साइड एजेस को पहले आपने पतला करना है, ताकि आपका जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। सो वो चीज़ें, या मेजरमेंट्स का रेशियो, वो चीज़, ऐसी सारी चीज़ें आप अगर ध्यान रखोगे तो मेरा आपको वादा है, पहली बार नहीं तो कम से कम तीसरी या चौथे अटेम्प्ट में तो ज़रूर आपकी बहुत बढ़िया एकदम प्रोफेशनल पूरन पोली बन सकती है। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ भी सुझाव होंगे या पसंद नापसंद जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि मैं अगली बार आपके सामने क्या पेश कर सकता हूँ, या मैं अपने वीडियोस को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर भी करिए। सो थैंक यू।